पुलिस चौकी में रिक्शा चालक की आत्महत्या के बाद परिजनों से मिले केजरीवाल। झज्जर पुलिस चौकी में रिक्शा चालक राजेश की आत्महत्या के मामले में अब जमकर राजनीति होने लगी है। आम आदमी पार्टी ने राजेश की आत्महत्या को दलितों पर अत्याचार से जोड़ दिया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मृतक राजेश के घर पहुंचकर उसकी मां और बहन के साथ संवेदना जाहिर करते हुए पुलिस और सरकार पर दलित अत्याचार का आरोप भी लगाया। साथ ही केजरीवाल ने हरियाणा सरकार से पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा देने की भी मांग की है। अभी आप लोगों के सामने मैंने उनकी माताजी से बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस उनको उठा के ले गई थी और उनका कोई कसूर नहीं था, कोई एफआईआर नहीं थी उनके खिलाफ, किसी केस में एज अ विटनेस उनको ले गई थी और पुलिस थाने के अंदर एक तरह से उनकी हत्या की गई है। उसको मामले को दबाने की ये कह के कोशिश की जा रही है कि ये आत्महत्या का मामला था। जो बातें उन्होंने बताई उससे साफ साफ जाहिर है कि थाने के अंदर, पुलिस थाने के अंदर जेल में कैसे कोई लटक के इस तरह से आत्महत्या कर लेगा। हमारी मांग है कि ये पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा जाए और जिन पुलिस वालों ने ये किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको फांसी दिलाई जाए, ऐसी सज़ा दिलाई जाए कि आगे से कोई ज़रूरत ना कर सके इस तरह से किसी गरीब के साथ अत्याचार करने का। दूसरा, पूरे हरियाणा के अंदर दलितों के ऊपर इस तरह से जो भी हादसे हो रहे हैं, मैं खट्टर साहब से निवेदन करूंगा कि दलितों को सुरक्षा प्रदान की जाए, खासतौर से इस परिवार को सुरक्षा दी जाए और इनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और इनके घर से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और इन लोगों को न्याय दिया जाए।